जनता का संसद न सड़क सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा छोड़ेंगे। मोदी साहब आए हैं, जैसे वो कहीं भी हमें मत्था टेकते हैं मुझे डर लगने लगता है। संसद में मत्था टेके थे, आते आते पता लगा संसद ही बदल दी। चुनाव में चर्चा हो रही थी, बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ये हम लोग थोड़ी कह रहे थे, बीजेपी के नेता अयोध्या में लल्लू सिंह अयोध्या हार, तो उस कविता को मैं पढ़ता हूं, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि आज होते तो उस कविता को कैसे पढ़ते वो मैं पढ़ूंगा। उसके बाद थोड़ी सी दो चार मिनट बात रखूंगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। अगर वाल्मीकि साहब आज होते तो जो पढ़ते वो मैं पढ़ देता। पीएम गुजरात का, एचएम गुजरात का, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गुजरात का, पुल बिहार का, ठेकेदार गुजरात का, बिल्डर गुजरात का, अंबानी गुजरात का, अडानी गुजरात का, नीरव गुजरात का, नीच जिसकी चर्चा सूरज जी ने की देश का, एनटीए गुजरात का, यूपीएससी देश का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन गुजरात का, इस्तीफा दे दिया मनोज सोनी ने, इस्तीफा दे दिया, आप लेट हैं। भेल देश का डायरेक्टर गुजरात का, कुछ तो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझने की जरूरत है। और जो वाल्मीकि साहब अंतिम लाइन कहते हैं कि अपना क्या, गांव शहर देश, तो मैं उसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूं कि अपना तो सड़क है। और लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अब नेता लोग भी थक गए होंगे, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट हमने भी लिया, तो हमारा काम सड़क पे रहना है। सड़कें हम सुनसान नहीं होने देंगे, और जब सड़कें सुनसान नहीं होंगी तो कई आंदोलन हम लोगों ने लड़े हैं, आप सबने देखा है और जीते भी हैं, तो संसद को आवारा भी नहीं होने देना है। देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि पब्लिक जो है वो ऊंट की तरह होती है कि अगर हाथी बेलगाम हो जाए तो उसका कान पकड़ के टाइट कर देना है। इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत हो गया है, 400 पार नहीं हुआ, 240 पे अटक गया, तो पब्लिक ने ऊंट का काम किया है, कान पकड़ के टाइट कर दिया है। मोदी साहब आए हैं, जैसे वो कहीं भी हमें मत्था टेकते हैं मुझे डर लगने लगता है। संसद में मत्था टेके थे, आते आते पता लगा संसद ही बदल दी। चुनाव में चर्चा हो रही थी, बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ये हम लोग थोड़ी कह रहे थे, बीजेपी के नेता अयोध्या में लल्लू सिंह अयोध्या हार, तो पब्लिक ने समझ लिया कि भाई संविधान बदलेंगे तो चलो इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर दें। मंत्रालय का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है हमने देखा है, तकरीबन 47 SC/ST OBC के मिनिस्टर्स हैं, कितने इफेक्टिव होंगे, एजेंडा पे कितने बोलेंगे। जो एजेंडा हमारा है कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस मंडल कमीशन, कितने बोलेंगे मैं नहीं जानता, अगर बोलेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग बुलाएंगे उनको, लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे, लेकिन एक बार बोल तो दें।
गोपीनाथ मुंडे साहब बोले थे एक बार कहा संसद पर, अब वो दिवंगत हैं। तो कितना बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन संसद में जो सवाल है, जो बुनियादी सवाल है, वो सवाल विपक्षी दलों ने उठाया था संविधान का। और प्राइमरली मैं कह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस को जो लीड कर रहे थे वो राहुल गांधी लीड कर रहे थे, और उन्होंने सवाल उठाया था संविधान की रक्षा का, आरक्षण का और कास्ट सेंसस का। ये तीन प्रमुख मुद्दे थे। संसाधनों में भागीदारी हिस्सेदारी का सवाल इलेक्शन में उन्होंने उठाया था। एज ए एकेडमिशियन सोशल जस्टिस होने के नाते हम यह अपेक्षा करेंगे कि इस बजट सेशन में यह सवाल को गंभीरता से उठाएं और जितने विपक्षी दल के नेता हैं इस पर बोले। एजुकेशन का बजट क्या होगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के स्पेशल कंपोनेंट का क्या मसला है, विश्वविद्यालय तो एक भी नहीं खुले अब तक। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं सूरज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एक भी कॉलेज 10 साल में नहीं खुला है, एक भी नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूं। तो यह सुनिश्चित हो कि पिछड़ी जाति का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का की जो भागीदारी है वो इंश्योर करें। और ऑपोजिशन से हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लेकिन ऑपोजिशन के नेताओं से ये अपेक्षा होगी कि इन मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरे। हम लोग तो सड़क पर घेरेंगे। तरह तरह के मायने, अभी यूपीएससी के चेयरमैन साहब रिजाइन कर चुके हैं, कास्ट सर्टिफिकेट विकलांग सर्टिफिकेट ये सब घपले सामने आ चुके हैं, सब आ रहा है, सब छन छन के आ रहा है। कोई मिश्रा जी उनकी बेटी आईपीएस बन गई कास्ट सर्टिफिकेट बना के है? एक उधर महाराष्ट्र में भी है ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर है पूजा, तो वो भी आ गई, अब सामने दिख रहा है। ये चेयरमैन साहब, जैसे हम लोगों ने उस समय डिमांड की थी कि जो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने रिजाइन किया था बगैर कारण बताए, ये सब की जांच होनी चाहिए। चेयरमैन और पूरी यूपीएससी के जितने मेंबर हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड का हक मार के कौन हकमारी कर रहे हैं। और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस में जितने सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसकी प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे यूपीएससी में हो। क्योंकि हमारी समझ है कि सुदामा का जो है हक जो है परशुराम खा रहा है, सुदामा का हक परशुराम खा रहा है। इन सब की जितने सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, इन सब की उच्च स्तरीय जांच हो। अभी मामला नीट का सुप्रीम कोर्ट में है, परसों हियरिंग है। ये कम से कम जस्टिस होता नहीं, दिखता भी नजर आना चाहिए। इस सोशल मीडिया के जमाने में एक जगह पेपर लीक हो गया। मैं तो छात्रों से अपील करूंगा, सारे छात्रों से, एससी एसटी ओबीसी तो है ही, जो जनरल के छात्र जो कोटा में या दिल्ली में बैठ के लाखों लाख रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं, एक पेपर घोटाले में उनके भविष्य का क्या होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो वैष्णव हो कोई भी। अगर इस सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पूरा अमेरिका में भी लोग सुन लेगा, एक जगह पेपर लीक हुआ है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जमाने में एक ही जगह रहेगा। चाहे एक भी लीक हुआ है तो बेईमानी है पूरी, ये रद्द होनी चाहिए परीक्षा, ये सबकी हकमारी है। नॉट फाउंड सुटेबल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो एमए पीएचडी कर ले रहा है उसकी वो भी नॉट फाउंड सुटेबल।
जितने अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए, हम लोग ये सवाल भी रखेंगे और सांसदों से अपेक्षा रखेंगे कि जितने अपॉइंटमेंट हुए वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल के, उनके सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जांच हो, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट अगर गड़बड़ हो गया ना तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक टीचर गड़बड़ हो गया तो 30 वर्ष तक कितने 30 जनरेशन खराब कर देगा। और जो शिक्षा का हाल हुआ है हम लोग देश में देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैसूर जी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इनकी जांच हो, उनके जितने किताब लिखा है, आर्टिकल लिखा है, कहां का सर्टिफिकेट है। बिहार में तो एक और घोटाला चल रहा है, उसका कनेक्शन असम से, शिक्षक भर्ती घोटाला, असम से सर्टिफिकेट बन के आ रहा है, पुल गिर रहे हैं, पुल कह रहे हैं लोग आत्महत्या कर लिया पुल ने नदी में, बिहार में 12 पुल गिर गए, ये किनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। रेल का एक्सीडेंट आप देख लीजिए, क्या रेल में पहले जब कोई एक्सीडेंट होता था वो हमें याद है कि रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, और जो रेल एक्सीडेंट हो रहा है इसका कारण और कुछ नहीं, उसका आधा प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि जो मानदंड है, जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें ये सूचना है कि हरवरी में ट्रेन फास्ट दौड़ाने के चक्कर में वो सब तार इधर से उधर जुड़ रहा है, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सारे मसले हैं, ये मसले उठेंगे और कम से कम हम पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा करेंगे। दूसरी बात है कि 9 अगस्त का मसला है, 9 अगस्त एक कॉल है, हम लोग सब इकट्ठे होंगे और बाबा साहब की प्रतिमा वहां से हटाई गई है, तो जैसे मत्था टेके संविधान में, हम समझ गए बात कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत प्रतिमा हटे उसके लिए कॉल है और हम लोग सब उस दिन सड़क पे रहेंगे। 9 अगस्त ध्यान रखा जाए, ये भी चर्चा करेंगे। और भाई साहब गर्व से कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को जो है हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक उद्योगपति के शादी के फंक्शन की नुमाइश हो रही है और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 5,000 करोड़ उसमें खर्च हुए हैं। तो देश में निजीकरण को लेकर, निजीकरण की वजह से जो गरीबी बढ़ी है, ये गर्व की बात नहीं है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। अनाज नहीं, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो संसद सत्र शुरू होने के साथ हम लोग फिर पुराने फॉर्म में, एक और संसद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जनता का संसद, न सड़क सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा छोड़ेंगे। इसलिए सारे साथियों से अपील है कि आप सब उस दिन आए और जो मुद्दे थे, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, रेल के हो, चाहे तमाम जो मुद्दे नीट के, यूपीएससी के, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, इन तमाम मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए और अपने अपने सांसदों से सवाल पूछिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि संसद में आए हो तो वहां पे बोलना पड़ता है, बोलिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए।